हॉल भी बना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस हॉल का भी और उस बिल्डिंग का भी विधिवत शुभारंभ जो है 19 तारीख को किया जाएगा। लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है उस दिन धर्मशाला को समर्पित होंगे। और आने वाले बहुत छोटे से समय में, मार्च और अप्रैल महीने में, जब जैसे ही कोविड के कुछ नियम में हम लोगों को ढील मिलेगी, हमारी व्यवस्था फिर से चलेगी, तो हम लोग एक साथ फिर से धर्मशाला को लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से धर्मशाला को मिलने वाले हैं। ये धर्मशाला के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वर्ष में, मात्र 2022 के शुरुआती दौर में भी, हम लोगों को 1000 से ज्यादा करोड़ के कार्य जो है धर्मशाला को समर्पित होने वाले हैं। इन सारे प्रोजेक्ट से धर्मशाला एक नए आयाम जो है वो स्थापित करने वाला है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, और इसके साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार की जो बात हम लोग करते हैं उस विषय में भी हो। इन सारे चीजों को लेकर हम लोग आने वाले समय में, बहुत छोटे से समय में, प्रैक्टिकल रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। जो मैंने आपसे चर्चा किया, रोपवे के बाद जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग पिछले 11 वर्षों से एक कलंक हमारे धर्मशाला के ऊपर जो है लगा था, जिसमें कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है, बहुत बड़ी नाकामी कांग्रेस सरकार की रही है। उन्होंने 1% भी इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित कैंपस धर्मशाला को बनाने का प्रयत्न नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से हम लोगों को वो आशाएं जाग चुकी हैं कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो धर्मशाला का कैंपस है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर हिमाचल प्रदेश के जितने भी विभाग से समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं हम लोगों ने पूरी कर दी है, उनका निपटारा कर दिया है, और उसकी रिपोर्ट जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंप दी है, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की निर्माण एजेंसी है उसको सौंप दिया है। और उनसे भी हमने ये निवेदन किया है कि आप एक सप्ताह के अंदर हम लोगों को अपना मैप जितना भी है आपका मास्टर प्लान बनाकर दें, ताकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का अगला उसके बाद जो स्टेप है टेंडर प्रोसेस या अदर जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करके हम लोग निर्माण कार्य बहुत छोटे से समय के अंदर पूरा करें। और इसमें यह भी निवेदन किया है कि जो आप मास्टर प्लान बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं हम लोग तैयार करने वाले हैं, उन बिल्डिंग्स का डिजाइन जो है हिमाचली संस्कृति को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि हम लोग हिमाचल की संस्कृति को दर्शा सकें। जिला कांगड़ा के धर्मशाला में, इकलौती जिला कांगड़ा की स्लेट माइन है, मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि स्लेटों का अधिक से अधिक प्रयोग हम लोग करें। हमारे पुरानी एक व्यवस्था थी, पुराने समय से चलती आ रही थी, और काफी ज्यादा मतलब उसको आज जो एक्सप्लोर करने का एक हमारे पास ट्रैक मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनसे यह भी निवेदन किया। इसके बाद जो मैं आपसे बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लगभग एकमात्र प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि 300 करोड़ रुपए के आसपास उसकी लागत होगी। और एडीबी के प्रोजेक्ट के माध्यम से वो प्रोजेक्ट धर्मशाला को मिला है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विशेषकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, उनके विजन का, उनकी सोच का, कि आप हिमाचल प्रदेश को आज विश्व स्तर पर ले जाने के लिए और पर्यटन में और बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक तेजी से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें धर्मशाला के लोग आपके विशेष कारोबारी रहेंगे। क्योंकि अब इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में स्थापित होने से धर्मशाला जो है अब एक बार फिर से विश्व के मानचित्र में आएगा, और इस बार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से धर्मशाला को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने से इंटरनेशनल लेवल के कॉन्क्लेव्स इवेंट्स जो है हमारे धर्मशाला में ऑर्गेनाइज होंगे, विश्व भर से लोग जो है यहाँ पर आएंगे। स्वाभाविक है, जब वो आएंगे तो पर्यटन हमारा बढ़ेगा, जो रोजगार और से लोग जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, और इसके साथ जो स्वरोजगार छोटे उद्यमी लोग हैं, जिन लोगों के होटल्स हैं, ढाबे हैं, इस तरह से जो काम करते हैं, उनका भी व्यापार जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड हैं, ये तीन विषय जो मैंने आपको रोपे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग धरातल पर उतार रही है जयराम सरकार, ये बहुत बड़ा दो धर्मशाला के लिए तोहफा है। और पहली बार ऐसा हुआ है धर्मशाला के इतिहास में कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने एडवांस सिस्टम में हम लोग धर्मशाला को एक नई धर्मशाला और आधुनिक धर्मशाला जो है स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ आप पिछले 2 वर्षों के अंदर देखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, उस देन की बदौलत धर्मशाला में बहुत तेजी से काम हुआ है, चाहे स्मार्ट रोड का हो, चाहे हमारे
इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ हमारे धर्मशाला की जितनी गलियां हैं, रास्ते हैं, पानी की व्यवस्था, और इसके साथ में सबसे बड़ी आपको बात बताऊंगा, एक सीवरेज, सीवरेज की जो टेक्नोलॉजी हम धर्मशाला में आज लागू कर रहे हैं, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लोगों ने बना के तैयार किए हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है। जापान के बाद हम लोग धर्मशाला में ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और जितने भी एसटीपी बने हैं उसमें ना तो किसी प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार की बिजली का वहां पर प्रयोग होगा। ऑटोमेटिकली हमारा सारे सीवरेज का फिल्ट्रेशन होगा, पानी प्योरीफायर होकर बाहर आएगा। और हमने ये भी कहा है कि उस पानी का भी हम दुरुपयोग ना करेंगे, उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उस पानी को जो हम लोग अपनी सड़कें साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, उस चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, गाड़ियां धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और तो छोड़िए, इसके अलावा हमने ये भी तय किया है कि उस वेस्ट पानी से हम लोग वहां पर एक तालाब तैयार करेंगे विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, और उन तालाबों में मछलियों का उत्पादन भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारा विषय जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा कि धर्मशाला, एक आधुनिक धर्मशाला स्थापित हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 वर्षों के अंदर हमने धर्मशाला के अंदर काम करके दिखाए हैं। तो मैं इसके लिए धर्मशाला के सभी आम जनमानस को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जब से जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है तब से जन लाभकारी योजनाएं जो है ऐसी तरह से हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, धर्मशाला का विकास हम लोग कर रहे हैं। इतनी सी बात आप सभी के बीच में मुझे कहनी थी, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। धर्मशाला बस स्टैंड की जो एफसी क्लीयरेंस है उसको तकरीबन 6-7 साल होने को आए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एफसी क्लीयरेंस के लिए कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल ठीक बात आपने प्रश्न पूछा है। जो धर्मशाला का बस स्टैंड है, लगभग 3 वर्षों से मामला इसका लंबित पड़ा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से अब धर्मशाला की एफसीए जो है, हमारी बस स्टैंड धर्मशाला की जो एफसी है वो दोनों फेस मैनर्स में क्लियर हो चुकी है, वो हम लोगों को वहां से बिल्कुल सैंक्शन होकर आ चुकी है, उसका टेंडर ऑलरेडी अवार्डेड है। और अभी बहुत जल्दी मैंने एक मीटिंग जो है इस संदर्भ में बुलाई है, उस मीटिंग को हम लोग करने के बाद इसका भी शुभारंभ वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एफसी है क्लियरेंस है उसको कितना टाइम? देखिए, एफसीए क्लियरेंस के लिए एक प्रोसीजर है, हम लोग जब एफसीए का केस जो है नोडल एजेंसी के माध्यम से अपलोड करते हैं उसके बाद हमारा प्रोसीजरली वो फाइल जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाती है, देहरादून जाएगी, शिमला जाएगी। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का ये भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि एफसीए की क्लियरेंस अब हम लोगों को देहरादून नहीं शिमला में भी व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है, और बहुत छोटे से समय में हम लगभग 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में इस एफसीए क्लियरेंस को करवा के लाएंगे, और उसके बाद उस जो फॉरेस्ट की भूमि है उस पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर सकेंगे।